अस्सलामु अलैकुम। आप मुलाजा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ लीगल राइट्स बाय तालिब, और मैं हूँ आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़िम, पिछली जो खबर थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, 70% पेंशनर पेंशन इंक्रीज के हवाले से, उसे एक बहुत एक मार्कतुल आरा जजमेंट, इसे कहा जा सकता है, रिव्यू पटिशन में जो फैसला दिया गया है। और हमने जफर सादिक साहब को यहाँ बुलाया और पीटीसीएल, सॉरी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक एक पेंशनर को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और जफर सादिक साहब ने भी, जिन्हें अप्रिशिएट किया है, काबिले सद तहसीन है वो पटिशनर्स जिन्होंने पटिशन फाइल की और डटे रहे, और फिर मुख्तलिफ तंजीमों ने अपना अपना किरदार इसे उजागर करने में किया। लेकिन इस हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। जो VSS या गोल्डन शेक ले गए, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं माजत खाऊं, हमारे जो नॉलेज के मुताबिक ये सिर्फ जो रेगुलर पेंशनर्स हैं इसका बेनिफिट उन्हें होगा, क्योंकि वो पहले ही एक खतीर रकम जो है वो ले चुके हैं। और नाज़िन, अब ये मामला मैं शुरू से कहता आया हूँ कि इत्तेहाद ज़रूरत है, हर कैटेगरी के पेंशनर्स को आपस में मिलना चाहिए। और आज आपने देखा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, के पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ मिला है, और सुलेमान राजा ने अपने प्रोफेशनल जो एक अचीवमेंट है उनकी बहुत बड़ी, उन्हें बकौल उनके, उन्हें बहुत खुशी हुई है, उन्होंने 15 मिनट में अपना सब कुछ कंक्लूड कर दिया और कहा कि इसके बाद हमारे फाजिल दोस्त जो कुछ कहेंगे वो वही होगा जो पहले भी कहा जाता रहा है, और ऐसा ही हुआ। और फिर तवक्को के ऐन मुताबिक, एक्सक्यूज मी, तवक्को के ऐन मुताबिक उन्हें जो है रिलीफ मिल गया, और इसके बाद मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, और ये सब लोग दे रहे हैं मुबारकबाद, सिर्फ नेशनल बैंक के पेंशनर्स ही नहीं। और ये जो है कहते हैं कि कू बकू फैल गई बात शनासाई की, अब हर एक को ये इशू जो है वो पता चल गया। और मैं अब पीटीसीएल की बात कर लेता हूँ। पीटीसीएल के हवाले से जो 22/4/2024 को डेट मुकर्रर हुई है, उम्मीद पैदा हो गई है तमाम पेंशनर्स को कि इंशाल्लाह यहाँ भी रिलीफ मिलेगा। हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो बड़ी रिजर्वेशंस रखते हैं जजेस के हवाले से, अगरचे मेरा ये मानना है कि ये मामला जो है पेंशन का केस जो है वो इतना सादा नहीं है, लेकिन बहरहाल रिलीफ की उम्मीद हमें ज़ाती तौर पर कानून के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से रिव्यू पटिशन की जो ये चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें अपील में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हाजिर सर्विस लोग हैं, केस का मसला है और दूसरे अमूर वो भी बहुत से पेंडिंग हैं, कंसोलिडेटेड हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी पैदा करें। और नाज़रीन, जहाँ तक हम बात अगर करें PIA की, तो वो मामला टलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और PIA के हवाले से जो है ना वो सुनने में ये आ रहा है कि ये सऊदी अरब को भी शायद दिया जा रहा है, तो इस हवाले से ये कुछ खबरें हैं, वो हम आपको अगले व्लॉग में पेश करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे कि PIA की प्राइवेटाइजेशन जो जुलाई में हदफ दिया गया है, उसके साथ साथ फर्स्ट वुमन बैंक और दूसरे भी अदारे हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ये चाहिए कि ख्याल रखें अपने मजदूर भाई हमारे जो हैं उनकी मफादात का, क्योंकि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं।
नाजिन बस आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें कुछ अगले व्लॉग में लाएंगे, कुछ इन कैटेगरीज के से हट के भी खबरें हैं, तो आज थकावट भी खासी हुई है। अगर कमी पेशी कोई हो गई हो तो मैं माजत खाऊं, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि ये आपके हक में बोलने वाला चैनल है, इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ख़ास तौर पे नेशनल बैंक के उन पेंशनर्स को कहूंगा कि जो मेरी वीडियो मिस तो नहीं करते लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते, उनसे मैं तमाम से ये मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि ये सिलसिला जो है आपको नोटिफिकेशन का शुरू हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।